डॉक्टरों के तबादले का असर अलीगढ़ में खास तौर पर देखने को मिल रहा है, जहां पर डॉक्टरों के तबादले लगातार किए जा रहे हैं। वहीं पर योगी सरकार ने सख्त निर्देश दे दिए हैं कि डॉक्टरों के तबादले जल्द से जल्द किए जाएं। आपको बता दें कि एक तरफ जहां अलीगढ़ में इस विडंबना से लोग जूझ रहे हैं कि किस तरीके से अलीगढ़ में लोगों का इलाज किया जाए, वहीं दूसरी तरफ अलीगढ़ में डॉक्टरों का तबादला देखा जा रहा है। डॉक्टरों के तबादले के बाद स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल नजर आ रही। अलीगढ़ के जिला चिकित्सालय में मरीजों का तड़पना साफ तौर पर देखा जा रहा है। जिला अस्पताल में बदहाली हालत में मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के जिला चिकित्सालय मलखान सिंह का है, जहां पर डॉक्टरों के तबादले के बाद मरीजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इलाज कराने के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचे मरीजों का तड़पना साफ तौर पर देखा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी पूरे मामले पर चुप्पी साधते नजर आ रहे हैं। अल्ट्रासाउंड कैबिन के बाहर डॉक्टर के छुट्टी का पर्चा लगाकर डॉक्टरों के द्वारा भ्रमित किया जा रहा है। अल्ट्रासाउंड कराने पहुंचे मरीज जमीन पर तड़पने को मजबूर हैं। सब हमारे छुट्टी पे नहीं है, वैसे तो हमारे अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर साहब का ट्रांसफ़र ही हो गया है। सभी परेशान घूम रहे हैं कि क्या करना है उस बारे में, लेकिन फिलहाल आज के लिए जो है हमारे डॉक्टर साहब का कोर्ट एविडेंस है वो कोर्ट गए हुए हैं। अब ये क्यों और किसने लगाया मैं इसको दिखवाती हूँ, लेकिन फिलहाल इस समय डॉक्टर साहब नहीं है और कोर्ट में है इस समय। मैम मरीज परेशान हो रहे हैं, उसका क्या होगा? मैं इसको दिखवाती हूँ कि व्यवस्था बिल्कुल ऐसी रहनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा मैं ये भी कहूँगी कि क्योंकि अब ये ट्रांसफ़र की वजह से थोड़ा अव्यवस्था हो गई है, लेकिन मैं इसको इसकी वजह नहीं मानती कि ऐसा होना चाहिए। मैं इसको बिल्कुल दुरुस्त कराऊँगी कि जो फैक्ट है वही स्टाफ लगाए, पब्लिक को गलत जानकारी ना दें। सब हमारे छुट्टी पे नहीं है, वैसे तो हमारे अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर छुट्टी पर हैं और यहाँ अल्ट्रासाउंड हो नहीं पाएगा। अब बताओ हम गरीब आदमी कहाँ जाएं? अल्ट्रासाउंड कराने आए थे, दर्द से रात भर दर्द के मारे बेचैन रहे हैं, दर्द बहुत हो रहा है। अब यहाँ भी डॉक्टर साहब नहीं है, अब क्या करोगे? प्राइवेट जाओगे? भाई साहब हम तो गरीब आदमी हैं, प्राइवेट ही हमारी इतनी हैसियत कहाँ की प्राइवेट। गाजीपुर में मंगलवार को जमानिया विधानसभा क्षेत्र में गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी ने 3 सड़कों का उद्घाटन किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत करीब 250 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है, जिनमें से करीब 10 सड़कों का कार्य पूरा हो चुका है और अन्य सड़कों का काम जल्द ही पूरा होने वाला है। इन सड़कों की कुल लागत करीब 190 करोड़ है। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सांसद निधि को कम कर दिया गया है और कोरोना काल के समय सांसदों को निधि नहीं दी गई, जिसके कारण हमें जनहित के कार्य करने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो वहीं उन्होंने कहा कि जन जन की परेशानियों को दूर करने के लिए और गांव को शहरों और हाईवे से जोड़ने के लिए हमने एक योजना बनाई है। आपके पास रिकॉर्ड मौजूद है, गाजीपुर जनपद में पीएमजीएसवाई योजना के अंतर्गत 100 किलोमीटर सड़क भी 5 सालों में नहीं बनी थी, जो विकास पुरुष थे, श्रीमान विकास पुरुष के कार्यकाल में 5 वर्ष में 100 किलोमीटर नहीं बनी थी। मेरी 3 साल में 250 किलोमीटर, बाकी रिकॉर्ड पर जाइएगा तो ये वहां पता चलेगा। हवा की बात हम नहीं करना चाहते। हर क्षेत्र में उन्होंने विकास की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। उनके हाथ में था डाक एवं पोस्ट विभाग, आज डाक एवं पोस्ट विभाग के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा।